सो हेलो ट्रेनर्स, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट न्यू इवेंट। ठीक है गाइस, सो इस वाले इवेंट का रिव्यू करना इसलिए जरूरी था गाइस क्योंकि इसमें हमारे को एक्सपेंडेड विस्क लिमिट मिल चुकी है गाइस। ठीक है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और तुम सभी मेरी भयानक वीडियोज़ का एक के बाद एक इंतजार जरूर से जरूर करते हो, मुझको पता है। चलो हम गाइस जल्दी से चलते हैं बोनस इवेंट की तरफ, ठीक है, बिना किसी देरी के। सो गाइस, यहाँ पर अगर टॉप अप इवेंट जो कि हर बार आता है, ठीक है, पर इसमें गाइस खास बात ये है कि इसमें अगर कोई भी बंदा अगर मान लो छोटे से छोटा टॉपअप भी करता है तो गाइस उसको 500 डायमंड, 21 और 5 रून ऐसे ही मिल जाएंगे बिना किसी रुकावट के। सो गाइस उसके बाद अपना आएगा पोकेमोन कन्वर्जन जो कि है पॉपुलर इवेंट में सबसे ऊपर। ओके गाइस, सो इसमें गाइस अपने को दो पोकेमोन देखने के लिए मिला है जो कि हैगा लूनाला और उसके साथ में अपर मेटाग्रोस। मजाक करा था। ओके गाइस, सो गाइज देखो यहाँ पर लूनाला जो है इसके गाइज अपने को पहले तो एमुलेटरी स्टोन दिया गया, ओके, और उसके बाद इसका कन्वर्जन दिया गया है, वो भी एक नहीं गाइज पूरे दो, लूनाला 1 कन्वर्जन स्टोन और लूनाला 2 कन्वर्जन स्टोन। टोटल कितने विस्प लगेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर लगेंगे गाइज 100 और 120 हो गए, कितने 220 और ये 180 कितने हो गए भाई 380 गाइज यहाँ पर विस्प लगने हैं अगर तुमको ये परफेक्ट वाला चाहिए। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसा है परफेक्ट वाला, ऐसा दिखता है गाइस रेड कलर का। ठीक है, इसकी स्किन देख लेते भी गाइस, ये इसके जो है स्किन है ब्लू वाला तो तुमको शुरू में मिलता है, रेड वाला फुल कन्वर्जन के बाद मिलता है भाई, काफ़ी भयंकर लग रहा है डेविल टाइप में। ठीक है, और ये वाइट स्किन हो भाई साहब, क्या स्किन है यार। और ये क्या है, एक मिनट गाइस, ये भी ऐसे ही मतलब ये स्किन है इसकी और ये इसका कन्वर्जन है सेकंड वाला। ठीक है, दोनों बस इसके पंखों का फर्क है, बाकी रेड कलर का है भाई, ये वाला मस्त है यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम इसकी एबिलिटी की बात करें, ठीक है गाइस, तो वो हैगी गॉड मूनलाइट, मतलब यार जो भी है गॉड के टाइप की इसकी एबिलिटी है। ठीक है, अगर हम देखें वेन इट प्रेजेंट डैमेज ऑफ घोस्ट किल एंड डार्क किल कैन दैट और पोकेमोन यूज विल इंक्रीज 30% डैमेज अटैकर रिड्यूस 50% व्हेन एचपी इज फुल। सो मतलब गाइज जैसे तुमने लूगिया देखा होगा ना गाइज, उसके पास एक एबिलिटी होती है जो कि होती है स्केल्ड। ठीक है, उसी टाइप की कुछ एबिलिटी है, अगर इसको इसकी एबिलिटी मतलब अगर इसकी एचपी फुल है ना और कोई भी इसको अटैक कर देता है इसके ऊपर तो इसको जो है 50% डैमेज रिड्यूस कर देगा ये अपनी एबिलिटी के जरिए। ठीक है, और जो अपनी पावर हैगी अटैकिंग पावर उसको 33% तक इंक्रीज करता है। ओके, सो इसलिए जो है लूगिया से इस बात में अच्छा है। ओके, इसीलिए बहुत से लोग इसको एज ए डिफेंसिव पोकेमोन यूज करते हैं और जो भी है। अरे ये क्या है, अच्छा मतलब ये कन्वर्जन की स्किन थी। सो गाइस ये हैगा विंगो मून, इसका मूव हैगा। ठीक है, यूज द विंग्स टू ब्लो स्ट्रेंथ विंड टू अटैक द ओपोनेंट एंड एड विंड टू द ओपोनेंट। सो गाइस मतलब यहाँ पर दो बार ऐड लिखा हुआ था ना तो इसीलिए मेरे को हंसी सी आ गई थी थोड़ी। और मतलब गाइस अपवेंट के बारे में तुमको पता ही होगा, अब विंड जब स्ट्रेंथ सामने वाले पे स्टेज लग जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है गाइस। ठीक है, मतलब जब तुम इस मूव का अटैक का यूज़ करोगे तो सामने वाले की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और उसके साथ में एंड रिड्यूस द स्पीड बाय 50%, ये तो मैं तुमको बता ही दिया अभी। ठीक है, अटैकिंग प्रोटेक्टेड ओपोनेंट्स कैन आल्सो डील 30%, मतलब भाई जो प्रोटेक्शन यूज़ करता है उसको 30% तक रिड्यूस भी कर देता है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, और गाइस अब अपना अगला मूव है मून बेस्ट पी बाय एमिनेटिंग ए स्ट्रेंथ लाइट टू अटैक योर ओपोनेंट इट कैन इग्नोर ओपोनेंट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड लॉन्च एन अटैक। सो मतलब गाइस इसको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले का करेक्टरिस्टिक क्या होगा और मतलब ये जो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। ठीक है, ये घोस्ट टाइप है और तुम समझ सकते हो कि जो नॉर्मल एंड फाइटिंग टाइप है उन पर असर नहीं होता। ठीक है, पर ये जो है उसको भी इग्नोर करके उस पर अटैक कर देता है, ये अच्छी बात है इसकी। ओके, सो अगला मूव हमारा वो है रूस्ट। रूस्ट से गाइस पावर अप होती है सभी को पता है। और ये क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या भाई, वीट रिकवरी मूव है गाइस, रिकवर 20% एचपी ऑफ एंड मेक इट स्पेशल अटैक डिफेंस इंक्रीज बाय लेवल 1। भाई गजब का मूव है, इसका यूज़ तुम कर सकते हो, मतलब ये एचपी बढ़ाता है और
अटैक एंड डिफेंस भी बढ़ाता है स्पेशल टाइप का, ठीक है। तो रूस्ट की तुमको यहाँ पर जरूरत नहीं है। और स्किल अब देख लेते इसकी, भाई इसकी तो यार ज़्यादा तो स्किल है नहीं, ठीक है, पर तुम यहाँ पर मैजिक कोट का यूज़ कर सकते हो भाई, बहुत ही गजब का मूव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो गाइस, पीजी की कम्युनिटी एप्लीकेशन है गाइस, अपनी खुद की एप्लीकेशन है, मतलब हमारे चैनल ने जो है ये प्रोड्यूस करी थी, ठीक है, एप्लीकेशन खुद बनाई थी, डेवलप करी थी, ठीक है। सो अगर तुमको नहीं पता ये डाउनलोड कहाँ से करनी, मैं बता देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल जल्दी बताता हूँ भाई मेरे। अब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ ना, ये इस गेम का सबसे डाउनलोड करने का बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इससे भी आसान तरीका कभी कोई होगा, ठीक है। तो तुमको जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है ना, तो तुम गूगल पे भी कर सकते हो, मैं तुमको बता दूँ कैसे। ये देखो गाइस, PSS गेमर किंग जब तुम लिखोगे तो यहाँ पर गाइस दो इंस्टाग्राम अकाउंट आएंगे, ठीक है, एक ये वाला, एक प्रीमियम वाला, ठीक है। जो प्रीमियम वाला गाइस वो भी अपनी प्रीमियम सर्विसेज है, जिसमें हम टॉपअप वगैरह करते हैं, ठीक है, बायपास ID ट्रांसफ़र, ID सेल एंड परचेज, ठीक है, ये सब काम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिलहाल तुमको ये सब नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर जो बायो में लिंक दिया हुआ है ना गाइस, ये अपने डायरेक्ट PGA कम्युनिटी एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक है बिल्कुल, ठीक है। तुम यहाँ से जाकर बिल्कुल वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, तो हमको हमारी वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये तुमको खुद ही वेबसाइट पर ले जाकर छोड़ देगा, और उसका लिंक भी डाउनलोड कर यहाँ पर तुमको दे देगा, ठीक है। मैंने तुमको खुद ही डाउनलोड करके दिखा दिया यहाँ पर बात तो बातों में, हमारे को बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा, ठीक है, ओपन भी हो चुका है डाउनलोड होके। डाउनलोड करने के बाद गाइस इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है गाइस, हमने 15 अगस्त पर रिलीज़ की थी, फुली मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन की अगर बात करें तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तुमको, अगर तुम वो वीडियो देख लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। चलो गाइस, अब हम देखते हैं अगला पोकेमोन जो भी है मेटाग्रॉस। गाइस कोई चिंता करने की बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा इवेंट है, ठीक है। मैं जल्दी से इसको तुमको मेटाग्रॉस के बारे में बता देता हूँ, फुल कन्वर्जन के बारे में बताऊँ या नॉर्मल वाले के, ठीक है। तो मैं पी अटैक के बारे में बताने जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि वैसे दोनों की एबिलिटी गाइस सेम ही है और मूव भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, ठीक है। और मेरे हिसाब से अपने को ये दिया गया की बार, तो इसके बारे में बता देता हूँ तुमको, ओके गाइस। इसकी जो एबिलिटी है वो गाइस मैग्नेटिकली लेविटेटेड रेपुलेशन, ठीक है। तो गाइस देखो, लेविटेटिंग का मतलब ज़्यादा से समझो कि लेविटेटिंग जो पोकेमोन होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, तो मतलब वो फ्लाइंग नहीं होते पर वो हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनको ग्राउंड टाइप का असर नहीं होता, ठीक है। अब हमको देखना ये कि इस पर ग्राउंड टाइप का असर होगा या नहीं, ओके। सो द पावर ऑफ क्लोज मूव्स पोकेमोन विद दिस एबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 30% इन द बफर फोर्स फील्ड, द पोकेमोन फिजिक्स मूव विल बी इंक्रीज 30% एंड द अटैक एंड पी अटैक डैमेज विल रिड्यूस बाय 25%, ठीक है। सो गाइस जब ये यहाँ पर इस फील्ड में होता है, क्या नाम था इसका, स्टील वाली फील्ड नाम था भाई इसका, बफर फोर्स फील्ड, ठीक है। जब इसके अंदर ये होता है तो यार 25% तक डैमेज रिड्यूस हो जाता है और 30% तक हमारा फिजिक अटैक इंक्रीज हो जाता है गाइस, ठीक है। और शायद से साथ में ये ग्राउंड टाइप का भी डिफेंस कर लेगा, ठीक है। स्पेशलिटी देखते हैं अगर हम इसकी, तो इट इज़ ए अलाउ बीस्ट विद स्ट्रॉन्ग पी डिफेंस पावर वेल इंक्रीज पी अटैक, मतलब गाइस इसका पी डिफेंस भी अच्छा है और पी अटैक भी अच्छा है, अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पर प्रायोरिटी मूव आप पहले इसका देखते हैं गाइस, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके पास प्रायोरिटी मूव होगा गाइस, ये रहा बुलेट पंच, इसकी प्रायोरिटी 1+ होती है, मान के चलो तुम ग्रीन जल जितनी होती है, ठीक है। बस इसकी पावर थोड़ी सी कम है, इसलिए अच्छा नहीं लगता मेरे को, पर ये अच्छा गाइस इस टाइप में है। मान लो कि सामने वाले की 1 HP रह गई है, तो तुम उसको सुला सकते हो, फास्ट अटैक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगला मूव है गाइस अपने पास यहाँ पर, रिपल्सिव ब्लेड अटैच बफर फील्ड फॉर 3 rounds, मतलब गाइस यही जो मूव है ना, इसको तुम करोगे यूज तो बफर फील्ड आएगा, ठीक है, 3 rounds के लिए ऑन फील्ड एंड अटैच रिपल्सिव बॉम्ब टू द ओपोनेंट फील्ड एंड एक्सप्लोसिव 3rd round विल कॉज डैमेज ऑफ 50, तो भाई साहब 15% मैक्स HP अफेक्टेड बाय एट्रीब्यूट रिस्ट्रेंट एंड क्लियर लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट ऑरा वैली रिप्लेसिंग पोकी फोर विद फील्ड डायरेक्टली, भाई कसम से क्या ये मूव है यार। भाई जब तुम इसका यूज़ करते हो ना, तो सामने वाले को पड़ता है एक दो स्टेट एक साथ पड़ जाती है, ठीक है। एक तो होती है अपनी बफर फील्ड, ठीक है, जिसमें इसको फिजिक्स टाइप मूव बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसके और डिफेंस भी बढ़ जाता है। और दूसरी लग जाती है एक बूम वाली स्टेट लग जाती है जो 3rd round में एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके बाद मान लो सामने वाला रिफ्लेक्ट एंड लाइट स्क्रीन का यूज़ करता है और हवेली का यूज़ करता है, तो वो भी हट जाते हैं, ठीक है। ये इसकी खासियत है भाई, मूव बहुत अच्छा लगा मेरे को, पसंद आ गया, ठीक है। अगला जो है अपना मूव है वो है मेंटल मैग्नेटिक स्ट्रोम, यूज मेंटल पावर टू
डेटोनेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड एड 30% ऑफ डिफेंस डैमेज विद वैन अटैकिंग। ठीक है, तो भाई जी अपना अटैक बढ़ा देता है, अटैक नहीं है डैमेज बढ़ा देता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करता है। सो गाइस मैं जो यहाँ पर सभी पोकेमोन की इवेंट रिव्यू करता रहता हूँ, भाई जी तुम्हारे भले के लिए होते हैं, अगर तुम्हारे पास ये पोकेमोन दिए है, तुम्हारा लेने का मन दिया है, तो तुम भी देख सकते हो। इससे गाइस फ़ायदा ये होता है कि तुमको पता रहता है कि न्यू पोकेमोन में क्या खास चीज़ें हैं और हमको इसका कैसे डिफेंस करना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं इसके डिफेंस की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर देखो, इसको ग्राउंड टाइप असर हो सकता है, ओके, इसको घोस्ट टाइप पोकेमोन भी मार सकता है, फायर टाइप भाई इसको बहुत ही गंदी तरह से मार सकता है, क्योंकि फायर टाइप के ज़्यादातर पोकेमोन एसपी अटैकर होते हैं, ओके। सो एसपी अटैक टाइप के जितने ही फायर टाइप पोकेमोन है वो इसको बहुत गंदी तरह से मारते हैं, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं चारिजार्ड वाई। गियर की अगर हम बात करें तो जैसे कि मेरे को इस पर शक था वही निकला, ठीक है, गियर भी वाई 30% तक इंक्रीज करता है, और जो इसकी बफर फील्ड फोर्स है उसको भी इंक्रीज करता है। क्या लिखा है यहाँ पर, मेटाग्रोस कैरेसिट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम बफर फील्ड स्टील टाइप अटैक मूव्स डायरेक्टली डेटोना रेस्पॉन्सिव बॉम्ब। हाय रे क्या गजब का मूव था, मतलब यार जितने भी तुम स्टील अटैक करोगे उससे बफर फॉर्म लगेगा ही लगेगा अगर तुम इसका गियर यूज करते हो। ठीक है, एक मूव का यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया है जिसका नाम है यहाँ पर गार्ड वाल रिपेयर। सो भाई जिससे जो है तुम्हारी 45% तक एचपी इंक्रीज हो जाती है, साथ में पी डिफेंस भी इंक्रीज होता है 1%। भाई कसम से भाई आज से ज़्यादा अच्छे अच्छे पोकेमोन तुम्हारे लिए आए जा रहेगा, जिसका अगर बजट मैं बताऊँ तुमको तो 20-20 और 20-60 लग जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है, मतलब यार तुम्हारे 60-20 में तुमको ये पोकेमोन मिल जाएगा जिसका भी मैंने बताया तुमको। ठीक है, सो उसके तो जाकर ले लेना अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद गाइस अपना एक्लूमेटिव कॉन्स्टिट्यूशन गाइस ये लगातार 3000 वीक से आ रहा है। ठीक है, शायद से अगले वीक से नहीं आएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ अपनी थियोरी के हिसाब से। ठीक है, और मतलब आते हैं कि साथ में गाइस यहाँ पर देखो 5000 डायमंड्स तक तो यूज़ करता हूँ, 10000 तक मतलब उसी से भी नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो डेली डायमंड लेके यूज़ करता है ना वो उसके लिए संभव है, पर जो नहीं है उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, अगली जो चीज़ है गाइस वो है अपना बियोट ट्रेजर, चलो यूज़ करके दिखाता हूँ। गाइस बियोट ट्रेजर अपना होता है ये जो सावरे तुमको गिफ्ट जैसे डब्बा दिख जाता है इसको बोलते। ठीक है गाइस, ये एक तरफ से लॉटरी की तरह है, और जितने तुम यहाँ पर नीचे डायमंड दिख रहे हैं ये हमारे टिकट के प्राइस है। ठीक है, सो 88 डायमंड हमसे मांग रहे हैं, अभी मेरे पास टोटल 107 है, मैं यूज़ करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने यूज़ इसलिए किया गाइस क्योंकि अभी मेरे डायमंड बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने मिलेंगे, चलो मार के चलता, अगर मेरे को 500 से ज़्यादा मिलता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर तुम्हारा यूज करूँगा। ओके, अबे रुक भी जा भाई, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है चलने के बाद से। चलो देखते हैं कितनी देर और चलें भाई, रुक गया 232 डायमंड गाइस अपने को मिल चुका है। ठीक है, देखो 88 डायमंड लगाकर तो ये होता है जिसका फ़ायदा। ओके, अब गाइस से मांग रहा है यहाँ पर 288 डायमंड। गाइस मैं इसका दोबारा से यूज नहीं करता हूँ, जितनी बार मतलब ये शुरू होता है ना मैं इसका सिर्फ एक ही बार यूज़ करता हूँ, मेरा अभिषेक का काम है ये डायमंड लूट के और घर हो लो ये अपनी नीति है। ठीक है, तो तुम भी एक बार इसका ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि तुमने देख लिया इसने मेरे डायमंड्स बढ़ा दिए, अच्छी बात है, फ़ायदा उठाना चाहिए गाइस ऐसी चीज़ों का। उसके बाद है गाइस फेस्टिवल एक्सचेंज, जिसमें गाइस अपनी विस्प लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, 100 पर आ चुकी है, और मैंने इसको पूरा पेल दिया, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, 100 के 100 विस्प मैंने निकाल लिए, टोटल मेरे पास हो चुके हैं 275 विस्प, जिनका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर जयगाडे में। ठीक है भाई, जयगाडे अगर आता है ना तो भाई मेरे को प्लीज़ से प्लीज़ सूचित कर देगा कि मैं उसको ले सकूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी तुम मेरे से कॉन्टेक्टेड कनेक्टेड हो, ठीक है, तो तुम जरूर से मेरे को कॉन्टैक्ट करके बता देना कि भाई जयगाडे इस जगह पर आ चुका है, जाकर लूट लो। ठीक है, और भाई दूसरे के भरोसे मत रहना कि कोई और बता लेगा, तुमको खुद ही बताना होगा। ठीक है, सो गाइस ये देखो, अब जो अपने पास यहाँ पर ऊपर की फ्लूट है, एक्सरनेस की फ्लूट है, ठीक है, अगर तुम इनका यूज़ करते हो आर्चे के लिए तो तुम्हारा ये ज़्यादा फ्लूट जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे तुमको ज़्यादा आर्चे एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, एक्सरनेस फ्लूट जिनको चाहिए था वो भाई ले सकते हैं। अब अगली चीज़ हमारी वीकली एक्लूमेटिव टॉपअप, ठीक है, इसको टॉपअप करने वाले बंदों के लिए गाइस ये, ठीक है, मान लो कोई टॉपअप करता है तो उसके यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे किसी ने 200 डायमंड का टॉपअप किया है, वैसे 200 का होता नहीं है, ठीक है, पर किसी ने किया है तो उसको यहाँ पर 8 मूव एजेंस चेस्ट मिलेंगे जो अच्छे नहीं है टोटल, भाई इतने अच्छे रिवार्ड नहीं है कि बार मत करना टॉपअप इसमें। ठीक है, पर रिवार्ड कुछ और एक्स्ट्रा रिवार्ड है वो ज़्यादा अच्छे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 200 डायमंड का टॉपअप किया तो भाई 5 विस्प मिल सकते हैं, और 5 मैंने बताया था कि लोकल टॉपअप पर भी मिल जाएंगे, तो मतलब यार यहाँ पर 10 विस्प तुमको मिल जाएंगे
200 डायमंड टॉप अप कर लेंगे। ओके, उसके साथ में अपन कुछ और भी होगा, यहाँ पर रिवार्ड देखते क्या है। चलो ये तो भाई 150 डायमंड टॉप अप करने वालों के लिए है। मेगा स्टोन प्रमोशन गाइस, जो न्यू प्लेयर होते हैं न्यू सर्वर में अभी, वो यहाँ पर अगर इनको परचेज कर सकते हैं, पर VIP पॉइंट्स होने जरूरी है। ठीक है भाई, ये लूटपाट मचा रखी फिलहाल, सो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ से मत लेना। ओके चलते हैं फेस्टिवल इवेंट पे। सो गाइस यहाँ पर है लकी रिवार्ड गाइस, अपने पूरे सर्वर में कोई भी एक प्लेयर जो भी इसको मतलब डेली टॉप अप करते हैं उनमें से किसी एक को ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद गाइस कार्निवल फॉर सिंगल टॉप अप, जिसमें गाइस सिंगल टॉप अप रिचे 60 डायमंड्स, जो कि मैंने तुमको बताया भी था, पीछे भी था एक आगे भी है। ठीक है, डबल रिवार्ड अच्छी बात है। ठीक है, स्पेंडिंग पिलोमेटी 100 डायमंड्स, कोई भी 100 डायमंड परचेज करता है तो उसको ये चीज़ जो है ओपन होने के लिए दिखती है। ठीक है भाई, ये सब कुछ ही लोगों का अच्छी बात है। उसके बाद अगर लक्की ट्रम्पल इवेंट देखते हैं कैसा है। ठीक है, सो भाई ये है मैगनमा इवेंट, टोटके वाला इवेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें अगर खासी बात ये है कि तुमको मैगनमा 2 स्टार मिलेगा। ठीक है, इसका अगर फ्रेम आप देखें तो कैसा होगा देखते हैं। अरे यार लोकल फ्रेम है, अच्छा फ्रेम नहीं है। ठीक है, सो मैगनमा तुमको 2 स्टार मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। मतलब यार यहाँ पर जो है 0 स्टार पहले मिलता था, अब 2 स्टार मिलेगा, अच्छी बात ये है। ठीक है, और मतलब इसका जो कन्वर्जन है गाइस, कन्वर्जन वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, कन्वर्जन 1 और 2 दोनों इसी के अंदर है, ट्रम्पल इवेंट के अंदर। ठीक है, सो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले ना अगर तुम्हारे, तो यहाँ पर 18,000 के करीब डायमंड लग जाएंगे इसको मैगनमा 2 कन्वर्जन बनाने में। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ भाई, मेरे को मैगनमा 2 स्टार चाहिए, एक ही बार ट्राई करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, मिल जाए तो अच्छी बात है यार। अरे शिट, जिंदगी झंड कर रखी है भाई इन लोगों ने, मेरे को नहीं चाहिए यार ये एबिलिटी स्टोन हमारे किस काम का, ये बता दो कोई किसी काम का लिए भाई। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, जब अपने पास पहले ये मैगनमा 2 स्टार होगा तो एबिलिटी स्टोन किस काम का, ये देखो किसी काम का लिए भाई, झंडू भाव है जख्म पर मलम लगाने का काम कर रहे हैं और दे भी खुद ही रहे, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो चलो इसको अब इग्नोर करते हैं, इग्नोर अबे हट जा। चलो गाइस देखते हैं, अब यहाँ पर अपना आएगा कम्युनिटी टॉप अप गेट गोल्डन एप्पल्स। भाई ये एप्पल बहुत टेस्टी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द इवेंट एवरी एक्लोमेटिव रिचार्ज ऑफ 100 डायमंड कैन गेट गोल्डन एप्पल 1। ठीक है, मतलब यार एक ही एप्पल मिलेगा 100 डायमंड के रिचार्ज। ओके, तो आगे हम देखते हैं, 400 एप्पल के बदले अपने को ये हॉलिंग टाइगर मिलेगा, और भाई तुम इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 400 एप्पल प्लस 2 जीरोस, कितना हो गया भाई 4000, 4 नियर ज़्यादा ही हो गया, 40,000 एप्पल भाई रे, 40,000 डायमंड तुमको परचेज करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम इसको परचेज कर पाओगे। ठीक है, और भाई साहब ये 300 एप्पल और चाहिए तुमको इसका ग्लिटरी स्टोन लेने के लिए, गेयर तो भाई तुम कहीं से उठा सकते हो भाई, लूटपाट मचा रखी है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं बोनस इवेंट की तरफ। विश्प एक्सचेंज का इवेंट है गाइस, ठीक है, इसमें नॉर्मली लिमिट जो अपनी इंक्रीज कर दी गई है, नहीं करी गई है गाइस। और गाइस मैं तुमको ना विश्प के बारे में एक चीज़ बताऊंगा लास्ट में, भागना मत बिल्कुल भी। ठीक है, सो गाइस ये आएगा प्रेजेंट एक्लिमेटिव लॉगिन। सो गाइस यहाँ पर तुमको अब की बार लॉगिन में एक्सरसाइज कार्ड मिले, वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 13 दिन तक लगातार लॉगिन कर लेना भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ के तुमको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिल जाएंगे लगातार लॉगिन करने वालों। ओके ये गाइस अपना होलसेल माल है, जिसमें कोई भी पोकेमोन नहीं है, सारे के सारे ठंडे हैं, हटाओ साइड। अब मैं तुमको विश्प के बारे में बताने वाला था कुछ स्पेशल बात। ओके भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी जल्दी से ये तुम सुन लो, बाकी बहुत है। ठीक है, अपना इवेंट रिव्यू खत्म होने वाला बस। गाइस जो विश्प पहला था इसमें अपनी बार 100 लिमिट दी गई थी, मैं परचेज नहीं करने वाला था, पर मैंने एक चीज़ देखी इसमें, इसके लिए मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, ये है गाइस यहाँ पर ये जो इवेंट है 2023 के पहले महीने की 9 तारीख को ख़त्म होने वाला है, मतलब मान के चलो 4 और 9 कितने हो गए भाई, 5 और 9 कितने हो गए, 15 दिन मान लेते हैं। ठीक है, 15 दिन के हिसाब का ये इवेंट हैगा, तो 15 दिन में अपने को 100 विस्प करने थे। ठीक है, सभी प्लेयर को मैंने एक ही दिन में कर दी है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को। ठीक है, बाकी यही मेरी एक गलती थी गाइस, तुम ये मत करना। ठीक है,
रोज के 10 विस्प या मान के चलो 7 विस्प ऐसे तुम लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो है लिमिट इंक्रीज हो जाएगी और उसके साथ में मतलब तुम्हारी एक्सपेंड हो जाएगी लिमिट, ठीक है। मैंने यहाँ पर यही गलती कर दी है, मेरी जो इंक्रीज लिमिट है वो डिक्रीज हो जाएगी 5 विस्प तक शायद से, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, अगली कोई मिनट में फिर से इसको एक्सपेंड कर लूँगा। इसको एक्सपेंड करने का सिंपल ये ही तरीका है, डेली के 10 10 विस्प तुम खरीदा करो, ठीक है। 10 ज़्यादा मत खरीदना, सिर्फ 10 खरीदना, ठीक है। इससे तुम्हारी लिमिट जो है इंक्रीज हो जाएगी, 10 तक पहुँच जाएगी, तुमको उतनी उतने के हिसाब से कॉफी अंडर से मिला करेंगे, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है, मैंने कॉफी अंडर वाले वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई थी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और गाइज मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी एडिटिंग दिखाता हूँ तुमको। गाइज इस वीडियो में काम कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने जो है टॉप 3 जो सभी गेम के अंदर पोकेमोन होते हैं ना गाइज, उनके बारे में बताया हुआ है। गाइज तुम इसकी एनिमेशन देख सकते हो, मैंने कितनी अच्छी एडिटिंग की हुई है, ठीक है। पर फिर भी मतलब इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम जो है करना बाकी रह गया गाइज, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने अब तक की किसी वीडियो में इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं की होगी जितनी मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को भाई स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसका 1000 लाइक का एम रखेंगे, ठीक है। सभी के सभी गेम्स वाले प्लेयर के लिए वीडियो हो सकती है, ठीक है, मतलब हो सकती नहीं होगी, इस तरह से इसको मैं बनाऊँगा, ठीक है। सो भाई इस पर यार स्पोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी तरफ से शेयर करना, क्योंकि ये जो है शेयरेबल वीडियो है गाइस, तुम इसको हर जगह पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में मिलते हैं अगली बार, ठीक है, अपना ध्यान रखना और इस वीडियो का जरूर से ज़रूर वेट करना, ओके।